नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर रमन ने किया कटाक्ष। भूपेश ने कहा, रमन सिंह ने खैरागढ़ को हमेशा किया है उपेक्षित। मुख्यमंत्री ने सख्ती को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। बिसाहूदास महंत की प्रतिमा का किया अनावरण। बैरिकेड्स तोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज। रावघाट खनन परियोजना का विरोध करने आए थे। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खैरागढ़ उपचुनाव में जीत का दावा करने के साथ ये बात भी कही कि पिछले 15 सालों में खैरागढ़ में सिर्फ भाजपा ने ही विकास किया है, कांग्रेस ने बीते 3 साल में वहां कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वह 2 घंटे में वादे पूरे कर देंगे, मगर 29,000 घंटे से भी अधिक का वक्त बीत चुका है सरकार बने। छत्तीसगढ़ का बेरोजगार पूछ रहा है कि उसका बेरोजगारी भत्ता कहाँ है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं 2 घंटे में घोषणा पूरा कर दूंगा। मुख्यमंत्री जी 29,880 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 29,880 घंटे हो गए। अब युवा प्रश्न कर रहा है कि भैया 29,800 घंटे होने के बाद भी हमारा बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया? मुख्यमंत्री एक उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करें। आज तक मैंने 15 साल मुख्यमंत्री रहा, पूरे देश में मैं देखता हूँ कहीं घोषणा पत्र उपचुनाव के लिए जारी नहीं होते। पार्टी की घोषणा पत्र एक बार बनती है और इनकी भी घोषणा पत्र बनी थी, जन घोषणा पत्र। 3.5 साल निकलने के बाद भी जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह ने खैरागढ़ को हमेशा उपेक्षित किया है, अब खैरागढ़ को सम्मान मिला है तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह बात खैरागढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। रमन सिंह जी खैरागढ़ को हमेशा उपेक्षित किए, अब जब खैरागढ़ को सम्मान मिला है तो रमन सिंह जी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, ये बात खैरागढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवघोषित जिला शक्ति को 226 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के पिता और पूर्व मंत्री बिसाहूदास महंत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने शक्ति नगर पालिका में बिसाहूदास की 98वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अस्मिता के प्रतीक स्वर्गीय बिसाहूदास जनप्रिय नेता थे। वे 4 बार मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उनके ऐतिहासिक कार्य निर्वहन क्षमता को प्रदेश की जनता हमेशा याद रखेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड मुख्यालय शक्ति में क्षेत्रवासियों को 226 करोड़ 26 लाख 90 हजार रुपए के 30 विभिन्न कार्यों की सौगात दी। इनमें 13 करोड़ 67 लाख 80 हजार रुपए, 11 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और 212 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 19 कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास के कार्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में रावघाट परियोजना के विरोध में हजारों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ उग्र हो गई। पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को तोड़कर ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर घुस आए, तब पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया। नारायणपुर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के रावघाट से लौह अयस्क का उत्खनन शुरू कर दिया गया है। यह हमारा अयस्क है और कंपनी इसकी चोरी कर रही है। उत्खनन को लेकर किसी भी तरह की ग्राम सभा नहीं हुई है। 2 सप्ताह पहले बीएसपी के कॉन्ट्रैक्टर देव माइनिंग कंपनी ने ट्रक से लौह अयस्क का परिवहन करना शुरू कर दिया है। 2 सप्ताह पहले बीएसपी के कॉन्ट्रैक्टर देव माइनिंग कंपनी ने ट्रक से लौह अयस्क का परिवहन करना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में ग्रामीण जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। रोक टोक से नाराज ग्रामीण पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए। इस दौरान जवानों ने इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया। What my
माइनिंग एरिया के जो प्रभावित गांव हैं उनके लोगों के द्वारा आज कलेक्टर ऑफिस आना और ज्ञापन देने की एक बात उनके द्वारा कही गई थी। उनके साथ में उनके जो लीडर्स हैं उनके सामने बात भी हुई थी। उन लोगों ने कहा था कि हम बिजली में इकट्ठा होकर पैदल आएंगे और वहाँ का एक जगह है वहाँ पर उन लोगों ने कहा था कि इस स्थान पर हमको आप रोक लीजिए, वहाँ पर हम ज्ञापन ले लेंगे तहसीलदार या SDM से। परंतु क्योंकि इस भीड़ के साथ में बहुत सारे और लोग ऐसे जुड़ गए थे जो जिनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, नशे की हालत में भी थे, उन लोग जो पुलिस ने तो पहले बैरिकेडिंग लगाई थी उसमें हम लोगों ने पूरे शांतिपूर्ण ढंग से उनको रोकने की पूरी कोशिश की और बहुत देर तक हम लोगों ने प्रयास भी किया। वो बैरिकेड भी तोड़ के ये आगे की ओर आ गए और कलेक्ट्रेट के गेट पर आके अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। इसी बीच में आपस में जो उनके बीच में जो गिरने उड़ने से इन लोगों को ऐसे कोई लाठीचार्ज की बात कह रहे हैं सर? नहीं, कोई पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज नहीं किया गया। ये आपस में क्योंकि बैरिकेड जब वो लोग पहला तोड़े उसी दौरान उनको कुछ लोगों को चोट लगी होगी और कलेक्टर गेट के पास भी आके जब वो पूरा धक्का मार के पूरा अंदर घुस रहे थे उस दौरान भी इनके बीच में आपस में भगदड़ की स्थिति बनी, उस दौरान तोड़ चोट आई। पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इनके साथ कोई लाठीचार्ज नहीं किया। संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में जो भी बिंदु है उस पर अध्ययन करके में कार्रवाई की जाएगी और जिनको भी संबोधित है ज्ञापन उस तक पहुँचाया जाएगा। ज्ञापन क्या कुछ प्रमुख तौर पर मांगे? नहीं, अभी ज्ञापन में डिटेल देख नहीं पाया हूँ, ज्ञापन एक बार देख लें, जो भी डिमांड है वो नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। राजधानी में आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत संविदा कर्मचारियों व ठेका कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर विद्युत कार्यालय डंगनिया का घेराव किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजकुमार कॉलेज के सामने जी रोड स्थित कार्यालय से पैदल अनुपम गार्डन चौक से होकर प्रदर्शन करते हुए विद्युत भवन डंगनिया रायपुर पहुंचे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारियों द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से बूढ़ा तालाब स्थित आंदोलन स्थल पर धरना दिया जा रहा है। इन्हें आम आदमी पार्टी ने समर्थन देते हुए बिजली मुख्यालय में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में उनके वकील ने बहस के दौरान कहा कि किताबों में लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक बयान देना कोई अपराध नहीं है। कालीचरण 90 दिनों से जेल में बंद है और उनकी चार्जशीट भी पेश हो चुकी है, लिहाजा जमानत उनका अधिकार है। सुनवाई के बाद कालीचरण को जमानत दे दी गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रामपुर में चल रहे देशी शराब दुकान के विरोध में भाजपाइयों के साथ पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भी सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने भी यहां से शराब दुकान बंद करने की मांग की है। कोरबा बालको मुख्य मार्ग के रामपुर में चल रहे शराब दुकान को बंद करने की मांग को लेकर वार्ड के लोग पिछले 10 दिनों से मोर्चा खोले हुए हैं। आंदोलन के 11वें दिन पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर भी शामिल हुए। ननकीराम ने कहा कि शराब बर्बादी का कारण है, ये लोगों के घर बर्बाद कर देता है, इसलिए मैं लोगों का समर्थन कर रहा हूँ। इससे स्वास्थ्य खराब होता है, घर में भी झगड़ा होता है। हम मांग करते हैं कि यहाँ से शराब दुकान हटनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।